वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
देखना देखे ये चीज परे ही परे इसी के विचार नित्य सिद्ध परिक्रमा में राधा जी के गणों में नित्य विराजमान यहाँ पे आते उनकी बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन एक भजन कुल बनाया जाए, इसलिए उन्होंने इस स्थान को चयन किया और यहीं पर निवास किया। जबकि बहुत लोगों ने गुरु जी से बहुत निवेदन किया कि आप रोड पर चलें, बड़े रोड पर खुली जगह में बड़ी जगह में आपको दे रहे हैं। गुरु जी ने एक बात पर क्या सेवा के लिए निकट में मिलेगा यमुना जी मिलेगी वृंदावन का हृदय यह जो स्थान है अन्यत्र नहीं मिलेगा तो मैं जाने को तैयार हूँ। तब सब ने हाथ जोड़ दिया गुरु जी जो स्थान जहाँ है वही उनकी शोभा है। सेवा और इसमें ही गुरु जी ने अपना विनोद पूज्य बनाया और यहीं पर रह करके उन्होंने भजन के जब भी यहाँ आते राधा जी के झूलन उत्सव आनंद में भरपूर होते ऐसे लोग नित्य ब्रज में जो ब्रज गोपियाँ राधा जी की जो मंजरियाँ हैं उनमें कितने प्रकार का उल्लास है देखने में तो सब 12 वर्ष के जैसे एक से एक सुंदर और एक से एक हंसमुख उनके मस्तिष्क में इतना पांडित्य प्रतिभा है जो सभी चमत्कृत हो वो जिसको वृंदावन जहाँ सूर्य की किरणों में कोई रूखापन नहीं अति स्निग्ध मधुर यहाँ की हरियाली घासों में इतना प्रेम जिसे देखकर वहाँ पैर पहनना भी संभव नहीं होता। पेड़ पौधे वृक्ष लता घासें जो कुछ सभी सजीव होते हैं उनमें कोई जड़ता नहीं है। देखने में लगता है कि जड़ जड़ पर जड़ होते हुए उनके अंदर पूर्ण सजीवता होता पूर्ण चिन्मय ऐसी जो वृंदावन प्रजोपति और वृंदावन के कुंजों में पेड़ पौधों से भरे हुए हरियाली से भरा हुआ उसके अंदर ऐसा कुंज होता है जिसे देखने पर लगेगा क्या हम कुंज में आए या किसी भवन में आए। इतना साफ सुथरा होता इतना सुंदर हरियाली तो ऐसे कुंजों के अंदर जहाँ झूलन आदि लीलाएं होती वो एक अद्भुत मनोरम वो दिव्य है अप्राकृत है। केवल इन्हीं शब्दों से हम लोग कह सकते हैं परंतु उसका अनुभव समझना बड़ा कठिन ये भौम धाम है भौम व्रज है जो साधारण मिट्टी जल अग्नि वायु आएगा पांच भौतिक रूप में दिखाई देते हैं परंतु यहाँ वो आनंद जितना वो अप्राकृत निर्मल आनंद उस जगत में तो वहाँ की लीला की अनुभूति गुरुवर्ग करते हैं और उस रूप में नित्य लीला को अपने हृदय में सजा लेते हैं। उसी प्रकार आज भी नित्य लीला में नित्य बिहार होता है
जिसमें झूला और मधुपान बन भी है, जल झूला विविध प्रकार की लीला क्रियाओं के साथ कृष्ण को सदा सर्वदा आनंद देने ऐसे जो गुरुवर गए जो राधा जी को कृष्ण के साथ में मिलन कराते झूला पे बैठाते और झूलन उत्सव का आनंद का अनुभव करते, इस प्रकार का जो गुरु जी है आज हम लोगों का ऐसे ऐसे जन्मों का सौभाग्य, न जाने कौन सी सुकृति कौन से पूर्ण और हम लोगों की गुरु वैष्णव आश्रय और उनकी सेवा उसको परिणाम स्वरूप हम लोग उनके चरण शांति आए हुए उन्होंने कर्म मारे मारे ज्ञान मारे मारे योग मारे मारे और दूसरे दूसरे कितने कितने प्रलोभन माया का आकर्षण ये सब को अतिक्रम करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे आने से ऐसे ही लगता है कि आज हम लोग उसी प्रकार गुरु जी के अधिकतम है और हमारे हृदय में उस भावना स्रोत को जगाना अपने चौरों के निरंतर हमें खींच कर ले जाए और इस सब का संत वास्तविक अनुभव उसका कुछ भी अनुभव लोगों को है इन्हीं प्रार्थना के साथ वो राज्यों को गौरव प्रभाव हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री तीर्थमाय जी श्रवण किया गुरु जी की जो इच्छा थी इस विनोद कुंज में रह करके भजन करना है, इसलिए गुरु जी बाहर कहीं नहीं गए, सेवा कुंज में ही मठ बनाया। कल हम लोगों ने आलोचना किया था मथुरा मठ में एक होता है विपिन, जैसे पिंडा विपिन से विपिन है, एक है कुंज है और एक निकुंज है, एक निभृत निकुंज है। इस संबंध में कल हम लोग मथुरा में आलोचना किया था, समय होने पर इस विषय में आलोचना करेंगे। और हमारे गुरुवर को श्रवण किया कि जुगल किशोरी सेवा कैसे होगी, राधा जी की पाल्लादासी बन करके जिनको भावल्लासु जी तो भावल्लासु जी कहा गया, पाल्लादासी के बारे में कहा गया पाल्लादासी सचा व्रत पाल
पल्लवासी सचा भक्ता परिपल्ला प्रियंबदा Yadapi there is not so many English speaking person, still I am requesting Sri Padmana Maharaj to speak something about this occasion. Sri Padmana Maharaj. Then I'm offering my same unlimited dandavat pranams to the lotus feet of my most worshipable, beloved Siksha Gurudevs, Nitya Lila Pravishta, Om Vishnu Pad, Asto Tarasata, Sri Srila Bhakti Rakshak Shri Dhar Goswami Maharaj. And Nitya Lila Pravishta, Om Vishnu Pad, Asto Tarasata, Sri Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj.
Also my Dandavat pranams to Nitya Lila Pravishto Vishnupad, Srishila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, and all of our Sri Sri Rupanuga Guru Varman. My Dandavat pranams to all the Vaishnavas and all the Vaishnavis here in this auspicious assembly in Seva Kunj, Sri Rup Sanatan Gauriya Mat, for the Julan Yatra Mahamahotsav Festival. My Dandavat pranams to all. Such a beautiful festival. It is so enchanting. And the Julan that we all are feasting our eyes on, how beautifully decorated for the pleasure of the divine couple, Sri Sri Radha and Krishna, to enjoy their sweet pastimes. This Julan festival, it is like the pinnacle of Sri Krishna's Braj Leela pastimes. And there is a very vivid description given by Sri Kavi Karnapur in his book Ananda Vrindavan Champu, the very last chapter, the entire book of Krishna Leela ends with this Julan pastime. And how he describes very, very elaborately all the description of the different types of trees that are surrounding Sri Radha Kund and Sri Shama Kund, and how this pastime takes place as the exhibition of the highest tasting of rasa by the supreme Rasika Shekhar, Sri Krishna Bhagavan, who is the Lord of all lords and the highest relisher of all rasa. And Mahabhav Swarupini is there, and all the Brajagopis, her very own expansions, her Kayavyuha expansions, Ashtashakis, Ashtamanjaris, and all millions of gopis, they are assisting in this Leela. Not only that, even in the skies above Braj, there are all the different devatas, and they are flying in their airplanes, and they are playing musical instruments and drums, and at this festive occasion, they are throwing down so many beautiful fragrant flowers, and the atmosphere is absolutely overwhelming. There is no possible description of such a festival anywhere. So we are very fortunate to be here in Braj. However we have come, whether we have taken birth in faraway countries, or whether we have been born here or nearby somewhere in India, those who come here for such a festival, they are very blessed, very fortunate, because this atmosphere cannot be fully duplicated. Even if you want to try, just like all over the world actually, this festival began to be celebrated when my Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, came to the West. And this was one of the first festivals that he introduced along with Sri Jagannath Rath Yatra. But he introduced in the temples that the devotees can make a very beautiful swing, and then Radha and Krishna can be swung on this swing. And he was not telling so many details, only to meditate upon the divine couple and giving happiness to them. So this festival is one of joyfulness, supreme utsava, maha mahotsava, and nothing can be compared with this anywhere. So to be here in Seva Kunj for this festival, my heart is overjoyed, and to be with the pure-hearted Vaishnavas and all the sannyasi gan and all the wonderful devotees who are coming here
just to glorify Radha and Krishna and to taste the nectar of their pastimes. So this festival in Sri Rupa Sanatana Gaudiya Math, it has been inaugurated by our Gurudev along with a three-day festival of glorification of Srila Rupa Goswami Pad, where his disappearance, Tiruvav Mahotsav, is tomorrow, and it will last for 3 more days and the whole festival of Julan up to Baladev Purnima, not to be missed by anyone. I was feeling so much separation from Braj. I was in foreign country, but I decided, no, I have to come back to Vrindavan for this festival. So I'm thanking and praying at the lotus feet of my Gurudevs that one day I can have some adhikar, that I can actually enter into the pastimes of Radha and Krishna in Braj and serve their lotus feet forever. Hare Krishna. हरे कृष्ण। अब मैं श्रीधर माई से अनुरोध करता हूँ आज के संबंध में कुछ वर्णन करें। श्रीधर महाराज ज्ञानगिरिराम्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो राधाकरावचितपल्लवपल्लरीके राधापदाङ्कविलस मधुरास्थलीके राधाञ्जसमुखं खण्डाङ्गबलिके राधाविहारविघ्ने रमताङ्गमनो मे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मेरे गुरुपाद मधुमन नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्थी श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद मधुमन नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्थी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज माधव महाराज नरसिंह महाराज श्रील बाबाजी महाराज पद्मनाभ महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णव सभी का मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बड़ी बहुत सौभाग्य क्या दिया है श्रील गुरु आनुगत्य में हम लोग श्री झूलण उत्सव को हम लोग पालन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो झूला महोत्सव है ये कोई साधारण झूला नहीं है, जिसके लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रज का जो ये मधुर लीला है, विशेष करके ये राधा कुंड में विशेष करके 5 लीला उनका विशेष लीला है। एक है ये झूला महोत्सव, दूसरा है मधुपान, तीसरा है निकुंज लीला, चौथा है उनकी जल विहार और उनका दिव्य रास लीला। कहते ये ऐसे ये दिव्य लीला है, कहते जहाँ पर कहते ब्रह्म ये स्वराज गुरु व पदार
जिस लीला में ब्रह्मा भी किस लीला में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए वो लास्ट में बरसा नाम ही वो पर्वत रूप में प्रकट हो गई। जहाँ पर श्री शंकर जी भी किसी लीला में प्रवेश नहीं कर पाते, जहाँ पर स्वयं शंकर जी गोपी स्वर रूप में गोपी बन करके तभी कोशिश किया लीला दर्शन के लिए, लेकिन गोपियों ने निकाल कर गुरचा मार करके चोटी पकड़ करके निकाल दिया। जिस लीला में हैं कहते, जहाँ पर श्री उद्धव आदि, जहाँ पर उद्धव जी ब्रज में आए और उनकी लीला सौभाग्य को दर्शन किया, लेकिन लास्ट में कहते ही बंदे नंद ब्रज स्त्रीना पा दे रही हूँ अभिस्मर। जहाँ पर बड़े दूर से राधा रानी के चरण की केवल एक धूल को उन्होंने वंदना की, और जहाँ पर कहते हैं गुलम लता औषधिना, तभी मेरे सौभाग्य होगा अगर इस ब्रज में सीना गुलम और औषध वृक्ष के रूप में अगर हमारे जन्म हो जाए, तब हम अपने जीवन को हम धन्य मन करेंगे। कौन कह रहे हैं? उद्धव जैसे व्यक्ति कह रहे हैं। जहाँ पर स्वयं नारद भी, जहाँ पर नारद या गोपीवती नारद के रूप में गिरिराज की तलह की नहीं, जहाँ पर नारद जहाँ पर तपस्या करते हैं, भले इनकी बात छोड़ दो, जब इनकी जो निकुंज की जो लीला है, जहाँ पर प्रबदानंद सरस्वती कहते हैं जत कीं करि सो बहु सा फलु काक वाणी नित्यम परस पुरुष कंठम, जहाँ पर श्री राधा रानी कभी मानी भी मन करती जो कुंज में रहती है, कहते आज हम किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर श्याम सुंदर उनकी किंकरियों को पास में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जिस लीला में प्रवेश करने के लिए बोले कौन, कहते स्वयं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो अधिनायक है कृष्ण भी जहाँ पर प्रवेश करने के लिए उनके लिए भी दुर्लभ है। मतलब ये इतने दुर्लभ लीला, ये झूला लीला है, अद्भुत लीला है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्मा बड़ी सुंदर रूप में ये लीला को वर्णन करते थे। अभी श्री राधा रानी जा बैठा अपना ससुर जाएगा, अभी इसी झूला महोत्सव आने पर, श्रावण की महीना आने पर, जहाँ पर सुंदर बारिश होने पर सारे वृक्ष हरा भरा हो जाती है, जहाँ पर सुंदर कोयल कुहुकती है, जहाँ पर मयूर सुंदर केका करते हैं, पूरा सारे वृक्ष हरा भरा हो जाती है। और आप लोग तो भारतीय लोग, इसलिए अभी राधा रानी रहती है अपना ससुर घर में, ससुर घर में मर्यादा है, वहाँ पर झूला नहीं कर सकती है, अपना मर्यादा पर रहना पड़ता है। इसलिए राधा रानी चाहती हैं मैं कब अपना पियर में आऊँ और मैं ये झूला में बैठूँ और श्याम सुंदर के साथ। इसलिए राधा रानी बड़ी ठाल लगा करके, आस लगा करके बैठी है, तब मेरे भैया श्री राम जी आए और हमको अपना घर में ले जाए, लेकिन इस समय निकलती नहीं जा रही है, लेकिन श्री राम भैया आए नहीं रहे, लेकिन जो बड़े दिनों में श्री राम भैया आए, राधा रानी बड़ी दुखी हो गई, बोले आपने इतने देर क्यों करा लगा दिया, बोले किसी काम की वजह से मैं नहीं आ पाया, बोले अभी चलो तब राधा रानी को लेकर के श्री राम भैया आते हैं, कहाँ पर ये बरसाना में आते हैं, इसलिए वहाँ पर जो बैल है उसका नाम गंवर बैल है, बोले गंवर बैल क्यों है, बोले राधा रानी का जो लीला है वो गंभीर गंभीर लीला है, इसलिए जहाँ पर श्री श्याम सुंदर राधा जी को साथ में जहाँ पर झूला पर झूलती है, जहाँ पर कहते ये झूला लीला की क्या विशेषत्व है, ये झूला लीला कहते झूला लीला की ये विशेषत्व है, जब राधा कृष्ण दोनों झूला में बैठ करके झूलते हैं, कभी कभी सखियाँ इतने जोर से उनको झूला को झुलाती हैं, झूलाने पर राधा रानी डर जाने लगी और डरते हुए उन्होंने श्री श्याम सुंदर को पकड़ लिया। कभी ये सखियों की मंजरियों का भावना किया है, बोले कब श्री जुगल को हम मिला, ये कभी भी श्याम सुंदर के साथ में ये मंजरिया विशेष करके स्वाधीन भर श्री स्वयं कृष्ण को साथ में मिलना नहीं चाहती है, वो चाहते हैं जुगल को हम मिलन कराए, लेकिन जब इनके जुगल मिलन हो कहते स्पृशति जति मुकुंद सखिना तत् सखिना, जब श्याम सुंदर राधा रानी को स्पर्श करती है राधा रानी को, लेकिन कंप अश्रु पुलक प्राप्त होता है, यदि ये सखी मंजरी को देखो, ये सारे चिन्ह अपने आप
इनको ऊपर में आ जाती है, इनको ऊपर आने पर सारे लीला रस की आस्वादन ये करती है, इसलिए स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलने ये नहीं चाहती है। जब से राधा रानी श्याम सुंदर को पकड़ लेती है ये सखियां प्रसन्न हो जाती है, आज हमारी ये लीला हमारी ये सार्थकता होगा। इसलिए यही लीला को जब श्री राधा कुंड में है, जिस समय से राधा कुंड को प्रकाशित किया, श्री पौर्णवासी ने वृंदादेवी को आदेश दिया, बोले वृंदे तुम ये राधा कुंड को सुंदर रूप में इसको सजाओ, ऐसे सजाओ राधा कुंड को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ लीला स्थल होनी चाहिए। इसलिए श्री वृंदादेवी जो श्रृंगार रस को पुष्टि करती हैं, वहाँ पर श्री आनंद वृंदावन को गोविंद लीला वृत्त व्रत कृष्ण भावना वृत्त व्रत विभिन्न ग्रंथ में सब चीज को हमारे गोस्वामी ने अभिव्यक्त किया है। विशेष करके उन्होंने जो राधा कुंड से आम को जो चार कोणा है वहाँ पर सुंदर झूला लीला बना दे, कहीं कदम है किस कोण में एक आम वृक्ष है, कहीं कमाल वृक्ष है, ये वृक्षों में जिसमें राधा गोविंद सिंह झूला में बैठ गए थे, जब झूलती हैं और झूलते समय का परछाई ना पड़ती है पानी के ऊपर, परछाई जैसे झूलते हैं ऊपर में लेकिन परछाई पड़ती है राधा कुंड में है और परछाई पड़ती है। इसलिए जिसको श्री रूप गोस्वामी ये चाटो पुष्पांजलि ग्रंथ में ये चीज को उन्होंने वर्णना किया है, जहाँ पर बेड़ी डाला अग्नि बना, जब उन्होंने देवी गोरोचना गौरी जब ये श्लोक को रचना करते हुए श्री किया भैया सनातन गोस्वामी को, भैया देखो मैंने राधा की सुंदर मैंने चित्र कर रखे, उनके लीला को मैंने वर्णना की श्रृंगार, लेकिन सनातन गोस्वामी पढ़ गए थे बड़े खुश हुए अद्भुत श्रृंगार की वर्णना, लेकिन एक चीज को देख करके श्री सनातन गोस्वामी ने कहा तुमने एक चीज मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ी लग रहा है, बोले किया है, बोले राधा रानी का ज्योति को तुमने जो वर्णना किया है बेणी ब्याना फला जिसे काला अग्नि को साथ बराबर, ये थोड़ी सी हमको थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, कहाँ राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी रस स्वरूपिणी कहाँ राधा, और तुमने एक काला नागरी को साथ में हमने बराबर कैसे कर दिया, तो ठीक है भैया मैं कोशिश करूँगा इसको सुधारने के लिए। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते परिक्रमा करते करते जब राधा कुंड पर गए बारिश हो रही थी और बड़े सुंदर कदम का वृक्ष है उसमें बड़े सुंदर झलक आता था और उसने एक बड़ी सुंदर एक ईश्वरी बैठ गई और अगल बगल में कुछ सखियां उनके झूला पर झूला रही और राधा रानी का जो बेणी है वो सर से लेकर के चरण तक है। हम लोग बेणी बनाती हो देखना बेणी का आकृति कैसे ऊपर मोटे और नीचे पतला होती है, जैसे काला ऐसे लग रहा था जैसे राधा रानी को पीछे तीन चार काला नागनी जैसे पीछे पर चढ़ी हुई है और लग रहा जैसे सो काटने के लिए जा रही और झूल रही थी बेणी को। सनातन गोस्वामी दूर से देखे देख करके बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहा है इसको पीछे तीन चार काला नागनी चढ़ा हुआ ऊपर में पर। जब उन भागते हुए वहां पर गए इतने में वो जो बीच में सखी बैठी हुई थी थोड़ी सी मीठी सी मुस्कुरा दी और मुस्कुरा करते हुए धीरे धीरे सारे लीला दी अंदर जाने लगे। सनातन गोस्वामी ने ये क्या हुआ ये क्या हुआ, खैर उनको याद आया अरे रूप गोस्वामी ने जो राधा रानी की जो बेटी को उन्होंने काला नागिनी को साथ में बराबर किया है ये चीज को राधा रानी मेरे को स्वयं दर्शन कराया, क्योंकि जो रूप गोस्वामी और रूप मंजरी है कृष्ण लीला में साधारण जैसे कविता जैसा नहीं, साधारण जो पंडितों का जो कपोल कल्पना नहीं, इसलिए कहते हैं प्रेमा जन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव वो दिव्य हृदय में जब दिव्य इंद्रियों को द्वारा दर्शन करते हैं जो चीज को वो चीज को वर्णना करते हैं उनको याद आया रे मैंने इसको बोल दिया ना गलत है, इसलिए राधा रानी रूप गोस्वामी ने जो लिखा इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये चीज मेरे को दिखाया। खैर उन्होंने आए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी के पास बोले रूप तुमको इसको बदलाने का कोई जरूरत नहीं, आज तुम्हारी कृपा से श्री ईश्वर जी के आज मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए बेटी को उन्होंने गलागिड़ी को साथ में वर्णना की है। कहते ये जो झूला लीला में विशेषत्व लीला है, बोले क्या विशेषत्व है कि झूला आप लोग झूले होंगे बहुत तरह का झूला होता है, बहुत तरह का झूला होता है, एक झूला होता है जैसे इधर से वो इधर और दूसरा होता है इधर से वो इधर जाते हैं, एक होता है ऐसे इधर और एक होता है इधर से इधर, दो तरह का झूला है।
और एक तरह का होता है जो खड़े होकर के बड़े तेजी से झुलाते हैं, झुला तो बहुत तरह का होता है, और उसमें एक विशेष लीला है जब श्याम सुंदर इधर से ऐसे जाते हैं कि सिर्फ ईश्वर की ऐसे ऐसे आती है दूसरे तरह से जब आती है, उसी समय में राधा रानी की जो चरण का जो दर्शन है ये झुलत होता है। इसलिए और किसी लीला में राधा रानी की चरण दर्शन नहीं मिलता है, इसलिए जो राधा रानी का जो चरण है ये साधारण वस्तु नहीं। इसलिए श्री रसखान कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास राशि है स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे रिया जानते लेंगे हम श्री वृंदावन के पास। इसलिए राधा रानी का जो चरण है जिसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रीत वृंदावनम तद अटवृत असंभास तद भाव व्यभिरचिता उतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। इसलिए किसी रसिक ने कोई संत ने बोल दिया हम तो श्याम रंग में रंग गए, हम तो कृष्ण भक्ति रंग में हमने रंग दिया, वो बड़े बड़े कवियों के पास में गए बड़े उन्होंने बहावा दिया, लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी के पास में पहुंचे इतने आसान नहीं, कृष्ण रंग में रंगना, अगर कृष्ण रंग में रंगना चाहते हो पहले तुम्हें तीन चीज को आश्रय लेना पड़ेगा तभी कृष्ण रंग में रंग सकती हो। तीन चीज क्या है? अगर राधा रानी के चरणों को आश्रय लेना पड़ेगा, राधा रानी के चरण की धूल का आश्रय और राधा रानी की चरण की अंकित जो वृंदावन धाम का आश्रय लेना पड़ेगा और राधा रानी की प्रेम रस में जो शराब रही जो साधु है उनकी चरण में जब तक अभिषेक नहीं होते हो तब तक इसमें आसानी नहीं तुम कृष्ण रंग में रंग जाओ। इसलिए ये झूला लीला है इसमें विशेष करके श्री श्याम सुंदर को राधा रानी के चरण के दर्शन को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री हमारे श्री श्री रूप गोस्वामी जो स्तवा बली है और श्री स्तवा मृदा लहरी इस सब ग्रंथ में श्री राधा रानी के चरण के जो चिन्ह है उसकी महिमा को वर्णना करते हैं। क्यों राधा रानी के कहते हैं राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए, क्यों प्रार्थना करते हैं राधा रानी के चरण की धूल को, वहां पर उन्होंने वर्णना किया है राधा रानी के चरण में जो एक एक चिन्ह है वो साधारण चिन्ह नहीं, वो साधारण चिन्ह नहीं, उन्होंने एक एक चरण में अद्भुत महिमा गाते हैं। है? कौन सा चरण का चिन्ह का कौन सा स्मरण करने पर क्या क्या प्राप्त होता है, और जो चरण कमल श्री श्याम सुंदर के लिए भी ब्रह्मेश्वरादि सुदूर्व पदार्थ। इसलिए जो आदि ईश्वर जो कृष्ण है इन्हीं के लिए भी राधा जी की चरण की इन्हीं के लिए भी दुर्लभ राधा जी की चरण है, इतने दुर्लभ श्री राधा रानी की चरण है। इसलिए जो झूला महोत्सव का ये विशेष महत्व है जिसमें श्री राधा रानी के चरण को श्री श्याम सुंदर को दर्शन प्राप्त होना है ये झूला लीला में एक विशेषत लीला लीला। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म कृपा करके गुरु सनातन रख दें और ये झूला महोत्सव गुरुदेव ने यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया है और उसी को प्रणिपूर्ण करते हुए श्री रूप गोस्वामी को जो तिरुभाव महोत्सव है उसमें जो मिल गया समझो समय चार चांद लग गया। इसलिए कल से हम लोग यहाँ पर कल सवेरे 6 बजे महाराज जी कल सवेरे हम 6 बजे यहाँ से निकलेंगे ठीक है। मैंने गया था वहाँ पर मुझे संस्कार राधा दामोदर मंदिर को संस्कार हो रहा है लेकिन मैंने वहाँ पूछा वो बोल रहे थे हम कोशिश करेंगे उसको पूरा अच्छे तरह से ऐसे सफाई करें जैसे वहाँ बैठ करके हरी कथा अवसर होगी वहाँ पर मैंने पूछ करके आया वहाँ पर हम कुछ करके आया। इसलिए कल सवेरे हम लोग सवेरे सबके सब कोशिश करना सवेरे आरत में आने के लिए जो लोग बाहर रुके थे यहाँ के तो भक्त लोग आ जाएंगे आरत दर्शन करना और उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ा कीर्तन हो जाएगी सब भक्त लोग जब एकत्रित हो जाएंगे फिर हम यहीं से कीर्तन करते करते हम लोग चलेंगे श्री राधा दामोदर मंदिर में। वहाँ पर गुरु जी का बड़ा प्रिय साथी गुरुदेव रमण मंदिर थे इसलिए रमण मंदिर होने का नाते केवल गुरु पाद पद्म ही केवल जब 3 दिन तक केवल श्री रूप गोस्वामी की वैशिष्टता को करने
जो विवेचना है कि हमारे गुरु जी का ही विशेष प्रेम है कि हम कहीं नहीं बता रहे, इसलिए सब विभिन्न वैष्णव को हमने निमंत्रण दिया, वो सब वैष्णव लोग आएंगे। फिर वहाँ से आने का बाद से दूसरे दूसरे मठ से भक्त लोग भी आएंगे, जैसे 10 मिनट फिर बैठेंगे, सवेरे तो वहाँ पर 6 बजे जाएंगे, वहाँ पर कथा होगी, उसके बाद में फिर दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ के सब संन्यास लोग आएंगे, फिर कथा 10 बजे से लेकर के 12 बजे फिर कथा होगी, फिर शाम को फिर हम लोग 5 बजे पर ही यहाँ बैठ करेंगे, 4 बजे हम यहाँ कीर्तन सुन करेंगे और 5 बजे रूप गोस्वामी की महिमा भी करेंगे। ऐसे ही 3 दिन तक यहाँ पर धर्म सभा चलेंगे और चौथा दिन में श्री सवेरे सवेरे श्री बलदेव लोग का हम लोग कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि महाराज लोगों का मथुरा है ना, पर जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ प्रसाद सजाने का, हाँ सभी के लिए, हाँ सभी के लिए कल से रघु गोस्वामी मंदिर है, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सवेरे दोपहर शाम और या 5 बजे तक सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। ठीक है, हम बच्चा हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री तीर्थ महाराज, श्री पद्मनाभ महाराज एवं श्री सुधर महेश्वर कथा श्रवण किया। हम लोगों को गोपीनाथ भवन में भी जाना है, मैं थोड़ा संक्षेप में कुछ बता देता हूँ। जैसे श्री तीर्थ महाराज जी ने बताया था कि ब्रज में कोई अचेतन वस्तु नहीं है, सब कृष्ण के लीला के अनुकूल। जैसे गुरुदेव कहते थे कि जो लताएं हैं ये श्रृंगार रस के हैं, पेड़ हैं ये सुख रस के, गिरिराज गोवर्धन सुख रस के, गाइयां वात्सल्य रस के, ऐसे कोई अचेतन नहीं है। लीला अनुकूलम परम, सब जुगल किशोर के लीला के अनुकूल है। महाराज जी बता रहे थे कि झूलन के बारे में ये रूप गोस्वामी राधा जी के कितने प्रिय हैं, मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मैं एक बार गुरुदेव से पूछा था कि मंजरियाँ कभी मिलती हैं कृष्ण से या नहीं, तो गुरुदेव ने बताया, हमने आप तो बताया कभी मिलते नहीं, जब झूलन किशोर की मिलन होता है तो मंजरियों के अंगों में उसका चिन्ह दिखाई पड़ता है, जो आप बिलाप उस मंजरी में सुने होंगे। तो मुझे बोला नहीं, मंजरियां भी मिलती हैं कृष्ण से, कैसे? तब उन्होंने उदाहरण दिया जो रामानंद राय संवाद में बताया, यद्यपि गोपियों का कृष्ण से मिलन का कोई इच्छा नहीं है, फिर भी राधा जी विशेष तरीका ढूंढ करके मिलन कराती हैं। मैं बताया था गोपियों के लिए कहा गया, तो गुरुदेव कहा गया मंजरिया गोपी नहीं है, कैसे मिलन होता है? मिलन भी 4 प्रकार के हैं, संकीर्ण, संक्षिप्त, संपूर्ण, समृद्धिमान। विरह भी 4 प्रकार के हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम वैचित्र। तो गुरुजी पूछा तो मिलन कैसे होती है, बोले प्रतिदिन राधा जी जाबट से नंदगांव जाती रसोई बनाने के लिए, शाम को नहीं जाती है, शाम को क्या करती, खुद कुछ बना करके विभिन्न मंजरियों के हाथ में भेजती थी। उस समय कृष्ण के साथ मंजरी का संक्षिप्त मिलन होता था। और दूसरा मिलन गुरु ने बताया, जब श्री इस्कन के गोविंद गोविंद गोस्वामी महाराज जी आए थे उससे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में, उस समय ये प्रश्न गौरव ने पूछा था, गुरु ने बताया मधुपाल लीला में सखियां मंजरिया सबसे कृष्ण का मिलन होता है। जो व्यक्ति इसका अनुच्छेदन करेंगे मैं उसमें नहीं जाता हूँ। अब रूप गोस्वामी या रूप मंजरी श्रीमती राधिका जी के कितने प्रिय है दिखाता हूँ। कृष्ण बताया ये थाम प्रपत्तम ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे जिस प्रकार मुझे भजन करता है उसी के अनुरूप उसको भी मैं भजन करता हूँ।
फिर कृष्ण ने बताया अनन्नश्चिन्तयन्तो माम ये जना परजुपासते तेषां नित्ता वियुक्तानां योगक्षेम वहामहम्। तो अनन्नश्चित्त होकर के जो मेरा भजन करता है तो क्या करता हूँ, जो उनके पास नहीं है मैं खुद धो करके उनको दे आता हूँ, जो उनके पास है उनका संरक्षण करता हूँ। राधा जी की दया देखिए, कितनी कृपामयी करुणामयी राधे जी दिखाता हूँ उदाहरण के द्वारा। कृष्ण ने बताया मैं धो करके दे आता हूँ, लेकिन दोषी बना के नहीं खिलाते। राधा जी बोले मैं तुमसे कम नहीं हूँ। शक्ति शक्ति मतो अभेदः, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पोटेंट एंड पोटेंसी, शक्ति एवं शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। ये गुरु जी के भागवत गीता में देखेंगे, अर्जुन मिश्र के लिए कृष्ण खुद ढोके ले आए, इधर देखिए रूप गोस्वामी के लिए, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई एवं गुरु भी हैं। जैसे रंगा देवी एवं सुदेवी दोनों बहन हैं, सगी बहन, एक एक आधा दिन के छोटे बड़े हैं, ऐसे जैसे रूप गोस्वामी सनातन दोनों भाई हैं, ऐसे लवंग मंजरी एवं रूप मंजरी दोनों सगी बहन हैं, और एक दिन के लवंग मंजरी बड़ी है, रूप मंजरी छठी है। इसको जानने के लिए आप किशोरी तंत्र ग्रंथ आलोचना करेंगे, इसका सब विशद वर्णन मिलेगा। तब आते हैं सनातन गोस्वामी एक दिन आए टेर कदम में, दोनों हरि कथा में इतने मशगूल हो गए, इतने मत्त हो गए, उनका समय का भार न रहा। टाइम टाइड एंड डेट वेट फॉर नन, समय समुद्र के लहर और मौत किसके अपेक्षा नहीं करता। जब तक रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों राधा कृष्ण की विशेष करके राधा जी की महिमा आलोचना कर रहे हैं, दोनों भूल गए समय कितना हुआ। रूप गोस्वामी जो के छोटे भाई हैं और सनातन गोस्वामी को गुरु के रूप में मानते हैं, उनके मन में कोई बार भावना ही अहो मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, आए हैं, कुछ खिलाना चाहिए, बार बार आता है कथा में भूल जाते हैं। अब देखिए राधा जी क्या किया, एक छोटी गोपी बन करके गांव की जैसे लड़की साधारण वेश में आए आई, आकर के एक मटका में थोड़ी दूध ले आई, चावल और शक्कर। तो बाबा बाबा तुम लोग कितने भरी कथा में मत हो, मेरी मैया ने तुम लोगों के लिए दूध चावल और शक्कर भेजा, एक काम करो इसको खीर बना के ना तुम लोग ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेना। ये गांव का लड़की क्या कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बार बोली। तब राधा जी क्या किया, इच्छा मात्र से ही कुछ कांदा ला, ये नहीं खीर बना दिया। खीर बना करके बोले बाबा तुम लोग इतने व्यस्त हो, तुम्हें सुध बुध नहीं है, मैं ना खीर बना दिया, मैं रुक नहीं सकती, मेरी माँ डांटेगी, मैं चलती हूँ, आप लोग भूख लगा करके पा लेना। चली गई लाली, लोग ध्यान नहीं दिया। अब दोपहर बीत गया, अपहरण के समय रूप गोस्वामी पाद उसको भोग लगाया, देखे सनातन गोस्वामी को दिया, सनातन गोस्वामी मुख में लेते ही बताया रूप तुमने कुछ चिंता किया था क्या, देखो ये जो खीर है ये हमारे स्वामी जी के सिवाय कोई ऐसे बना नहीं सकती, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए कि उनसे सेवा लेनी चाहिए, ये तो सोचो, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रश्न हो सकता है सनातन को से कैसे पता चला ये राधा जी की बनी हुई खीर है। लवंग मंजरी रूप मंजरी दोनों राधिका खास कमरा की मंजरी है, वो लोग व्रत में क्या करती हैं, प्रतिदिन तो ये प्रसाद पाती हैं, उनको स्वाद उनको पता है। जैसे हम गुरु जी को लोग दर्शन किया, उनके कीर्तन या हरि कथा सुना, वही ये बजरा सुनते हैं गुरु जी का गला हम समझ लेते हैं, क्यों हम पहले सुन चुके हैं। ऐसे रूप मंजरी लवंग मंजरी राधा जी का बना हुआ प्रसाद बहुत बार आस्वादन किया है, इसलिए रूप गोस्वामी के जब दिया प्रसाद सनातन बताइए राधा जी का है। देखिए राधा जी कैसे करुणामयी कृपामयी, देखिए रूप गोस्वामी की महिमा,
क्या किया कृष्ण को अर्जुन मिश्र के लिए ले आए, बना के नहीं ऐसे रॉ मटेरियल दे दिया। राधा जी रॉ मटेरियल तो लेके आई ही और जो जरूरत है बना करके खिला के चली गई। देखिए कृष्णा से भी राधिका जो अधिक कृपामयी है करुणामयी है। हम लोग अभी गोपीनाथ भवन में जाना है इसलिए वही समाप्त कर रहे। हरे कृष्णा वंशा कल्पतरु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे महाराज ने अनाउंस किया कल 6 बजे जाएंगे और कल सूर्य उदय के उपरांत 10 बजे के पहले तक पारण है। मैंने दिल कृष्ण को बता रहे थे उधर बसने के उधर बैठ करके हरी कथा बोलने का इतना सुविधा नहीं है, हम जाएंगे पुष्पांजलि न हो तो इधर आके हरी कथा मठ नहीं होगा। हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी सब लोग चले गोपीनाथ भवन में उधर गुरु जब भी वृंदावन में आते उधर रहते थे, पहले पहले इधर रहते थे बाद में उधर रहते थे, इसलिए सबसे अनुरोध है हम लोग कीर्तन के साथ जाएंगे गोपीनाथ भवन का झुलाने के लिए। जिसको इच्छा है हमारे साथ आ सकते हैं, मैं तो अनुरोध करूंगा सभी यहाँ लेकिन वॉलंटियर ही है। हरे कृष्ण सब जो खड़े हो जाए कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण मृदंग ले।